Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम ये देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है. Now what is heredity? ये सब चीजें जो हम ट्रेट्स वगैरह ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड है. Now what do you mean by heredity? Heredity is the transmission of genetic characteristics from one ancestor to descendant through the genes or the transfer of characters or traits from the parents to their offspring. ठीक है? So heredity क्या है? Transmission of genetic characteristics. जो genetic characteristics parents से offspring के अंदर जाते हैं, transmit होते हैं, या हम कह सकते हैं transfer होते हैं from ancestor to descendant, मतलब from parent to child, या फिर कोई ऐसा organism जो एक time पर था और उसके आने वाले organisms के अंदर वो transmit हुआ है. ठीक है? तो कुछ ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जो आपके फादर से आपको मिले हो, कुछ ऐसे ट्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपके ग्रैंडफादर से आपको मिले. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट एंसेस्टर जो है उसी से ट्रेट्स इनहेरिट करें. ठीक है? थोड़े दूसरे एंसेस्टर जो हैं उनसे भी हम इनहेरिट कर सकते हैं. सो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट इज बीइंग ट्रांसमिटेड? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते हैं. अब इन जीन्स के ट्रांसफर से क्या होता है अल्टीमेटली? कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एक पेरेंट्स से एक चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो इसी वजह से जो चाइल्ड है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से शो करते हैं. अब हेरिडिटी से रिलेटेड ही एक टर्म है, इट इज वेरिएशंस. नाउ व्हाट आर वेरिएशंस? द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशंस. एक ही स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ट्रेट्स में जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं उनको वेरिएशंस कहा गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस केस में देखें, ये सब रैबिट हैं, ठीक है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस इन देयर कलर. उनका कलर अलग अलग है, उनका साइज अलग अलग है. ऐसे ही ये सब कैट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर भी कलर्स अलग हैं एंड टाइप अलग है. सिमिलरली यू कैन सी दीज लीव्स के टाइप भी अलग अलग है, इसके अंदर लीव्स की शेप अलग अलग है. So, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही स्पीशीज है, ठीक है, उसके अलग अलग इंडिविजुअल्स, और उन इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं उनके ट्रेट्स के अंदर. सो इनको हम कहते हैं वेरिएशंस. फाइन. सो जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो देयर ऑफस्प्रिंग्स शो माइनर वेरिएशन. ये जो वेरिएशंस होते हैं किस वजह से होते हैं? Due to some inaccuracies in DNA copying, parent से जो parent का DNA है वो copy होकर offspring में चला जाता है, ठीक है. अब अगर इस copy होने में कुछ inaccuracy रह गई, कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, या कुछ अलग तरीके से DNA copy हो गया, so अगर तो पूरे perfect तरीके से DNA copy होकर parent से offspring में चला गया तो कोई variation नहीं होगा. लेकिन अगर कुछ भी change आ जाता है copy होने में तो उसकी वजह से ये वेरिएशंस पैदा हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग. तो सच वेरिएशंस आर नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ी है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस है वो ज्यादा नहीं होते, ठीक है. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये जो वेरिएशंस का अमाउंट है ज्यादा होता है. नाउ कुछ वेरिएशंस जो है, सम वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वेरिएशंस होते हैं और उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती? तो कुछ वेरिएशंस जो है वो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. कैसे? देर आर सम बीटल्स लिविंग इन ग्रीन बुशेस,
ग्रीन बुशेस के अंदर कुछ बीटल्स रहते हैं और इनसे क्या होता है, दे इंक्रीज देयर नंबर्स बाय रिप्रोडक्शन। सो वो अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन से। तो कुछ बीटल्स जो वेरिएंट बीटल्स हैं, बाकी बीटल्स से अलग बीटल्स हैं, उनके अंदर अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए ये मेथड है। सिमिलरली क्रोज कैन इजीली सी द रेड बीटल्स एंड दे आर ईटन अप बाय द क्रोज। जो रेड बीटल्स हैं, क्रोज उनको बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली दे ईट द रेड बीटल्स। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू सम वेरिएशन Some green beetles are produced instead of red beetles. जो red beetles हैं, वो बहुत easily crow को नजर आ जाते हैं और crows उनके ऊपर feed कर लेते हैं। अब variation का role आता है यहाँ पर। Variation की वजह से कुछ red beetle की जगह green beetles भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है? So ये variation हुआ, red की जगह green हो गए। अब इस case में जो green beetles हैं, they are not visible to the crows. रेड बीटल तो नजर आ जाते, अब ये ग्रीन वाले क्रोस को नजर नहीं आते और इसी की वजह से क्रोस उनको नहीं खा पाते। देन ग्रेजुअली द पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल डिक्रीजेस, जो रेड बीटल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि क्रोस उन पर फीड करते हैं और जो ग्रीन बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इस वेरिएशन की वजह से, इस कलर वेरिएशन की वजह से एक टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं, जो ग्रीन बीटल्स हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं। अब अगर ग्रीन बीटल्स ना होते, ये वेरिएशन ना होता, तो सारे बीटल्स रेड होते क्रो खा जाते एंड अल्टीमेटली बीटल्स की जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती। सो एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, पर कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो कि सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते, वो कैसे हैं? नाउ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक कलर वेरिएशन होता है इन रेड बीटल्स, रेड बीटल्स के अंदर कलर वेरिएशन होता है और इस कलर वेरिएशन से ब्लू बीटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स। फर्स्ट केस में हमने देखा ग्रीन बीटल्स जो कि सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, इस केस में ब्लू बीटल्स हैं। नाउ बोथ रेड एंड ब्लू बीटल्स, ये दोनों ही क्रोस को आसानी से नजर आ जाते हैं और अल्टीमेटली क्रोस ईट देम। देन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ द बीटल्स रेड एंड ब्लू डिक्रीजेस। नाउ दिस वेरिएशन हैज नॉट हेल्प्ड द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जरूरी नहीं है कि हर वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करे, लेकिन ऐसे बहुत वेरिएशंस हैं जो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बीटल्स का एग्जांपल लिया है। बीटल्स रेड हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ठीक है? रेड जनरली वो होते ही हैं। वेरिएशन क्या है, उनका ग्रीन होना एंड उनका ब्लू होना, ठीक है? अब रेड तो क्रोस खा लेते हैं, ग्रीन क्रोस नहीं खा पाते तो वो सर्वाइव कर जाते, बट ब्लू भी, जो ब्लू बीटल्स हैं उनको भी क्रो खा लेते हैं। तो ये वेरिएशन, ब्लू वाला वेरिएशन हेल्पफुल नहीं है, बट ग्रीन वाला वेरिएशन इज हेल्पफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन हेरिडिटी।